मैं बहुत बोर हो रही थी। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू वेलकम टू माई चैनल। बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी हो रही है बारिश। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था रिकॉर्डिंग करने का, पर मैं बोर हो रही हूँ तो मैंने आपके जो क्वेश्चंस है, जो कि मैंने पहले सोचा था कि शायद मैं लैपटॉप में ही खोलूँगी और उधर से ही रिस्पॉन्स करूँगी, उसमें टाइम लगना है और मैं इतने एफर्ट्स नहीं लगाना चाहती फ़िलहाल। मैंने वो क्वेश्चंस ना सारे राइट डाउन किए हैं, तो आई विल बी आंसरिंग दिस वे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेरे लिए जॉब्स की क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है कि मेरी एज क्या है। एज बताने से मुझे मना क्या है, पर मैं आपको आइडिया देती हूँ, मैं अभी अर्ली 20 में हूँ। या नेक्स्ट पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर यू वांट। कि मेरे घर के बड़े भी ये वीडियो देखेंगे शायद, तो एक्चुअली आई थिंक ये चीज़ें बोलना कि केयरिंग होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, ब्ला ब्ला, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें तो आई थिंक बेयर मिनिमम है, ये होनी ही चाहिए पार्टनर में, ये बोलने वाली चीज़ें नहीं है। बट या आई वुड अप्रिशिएट कि मेरा पार्टनर वेल एजुकेटेड हो, लाइक वेल एजुकेटेड होना चाहिए, शुड हैव इंडिविजुअल माइंड सेट ऑल्सो, हु विल रिस्पेक्ट द कल्चर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड। I have done my schooling like 1st to 5th I have done from government school जो कि गाँव में है, एंड उसके बाद 6th to 12th मेरा जो schooling है वो हुआ है government senior secondary school शिलाई से, एंड I have done bachelor in physics from government degree college संजौली, which is also known as center of excellence college संजौली located in शिमला। so yeah, what are my future goals? actually मैंने सुना है कि यू शुड नॉट टेल एनीवन योर फ्यूचर गोल्स जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं। तो फ्यूचर गोल्स जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो और इस चैनल पे बने रहो, क्योंकि यू आर गोइंग टू विटनेस एवरी सक्सेस थ्रू दिस कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ यू कुड हैव एनी सुपर पावर व्हाट इट वुड बी। इट वुड बी बीइंग एबल टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर पॉसिबल हो पाता। सॉरी गाइस, लाइट चली गई। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। या These days I haven't been sleeping, staying up, playing back myself, leaving when your birthday. Hey everybody, so here's my honest answer to the first question, it says what is the importance of job in my life. तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ दैट आई एम मोर देन ग्रेटफुल कि आई हैव नेवर बीन इन द सिचुएशन वेयर आई नीड टू लुक आउट फॉर जॉब्स, बट इट डजेंट मीन आई डोंट वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, इट डजेंट मीन दैट आई डोंट वॉन्ट हैव माई फाइनेंशियल फ्रीडम। बट वैन इट कम्स टू ड्रीम जॉब ना, आई डोंट वॉन्ट टू चेस माई ड्रीम जॉब ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल। सी, हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी का एक पर्पज़ होता है लाइफ में, ठीक है। एक काम होता है जो हमें इमेजिन करके भी ये लगता है कि यार आई कैन नेवर गेट टायर्ड, आई कैन डू दिस जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इट मेक्स माई सोल क्यूरियस, इट मेक्स मी एक्साइटेड, लर्निंग अच्छी लगती है, मैं सीखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कीप फीडिंग द क्यूरियोसिटी इन साइड मी विद नॉलेज। तो आई चूज़ ए फील्ड जहाँ पर ये चीज़ें काम आएगी, जहाँ पर मुझे ये चीज़ करने को मिलेगी, राइट। पर आई हैव ऑलवेज प्रिपेयर्ड माई सेल्फ टू बी रियलिस्टिक और बी फ्लेक्सीबल वेन इट कम्स टू चेसिंग द ड्रीम जॉब, बिकॉज आई हैव विटनेस्ड मैनी मैनी स्टूडेंट्स, मतलब जब उन्हें उनको फेलियर देखने को मिलता है
बहुत कोशिश करने के बाद, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर ये जॉब नहीं मिली, अगर ये पर्टिकुलरली एक जॉब जो वो चाहते हैं वो नहीं मिली, तो वो खुशी से जी नहीं पाएंगे, वो कभी खुश नहीं रहेंगे, सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे, विच रियली हॉन्ट्स मी अलॉट. इट्स रियली अनहेल्दी माइंडसेट इन माई ओपिनियन. एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द जॉब, क्योंकि जॉब आर एक्चुअली द स्टेटस नेम टैग जो हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी शो करना पड़ता है कि ठीक है वी आर एम्प्लॉयड नाउ. बट एट द एंड ऑफ द जर्नी व्हाट मैटर्स इज द इंटेंशन, द पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग, राइट? पर्सनली इन माई केस हाउ आई सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ जॉब इन माई लाइफ इज इट विल प्रोवाइड मी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट एवरी सिंगल लर्निंग, एवरी सिंगल नॉलेज जो मैंने आज तक सीखी है. इट विल प्रोवाइड मी अ सोर्स सो दैट आई विल बी एबल टू स्टडी और लर्न मोर एंड मोर, क्योंकि इट विल अलाइन विद माई इंटरेस्ट. सो या दैट्स हाउ आई सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ जॉब इन माई लाइफ. दैट्स हाउ आई टेक दिस कंसेप्ट इन टू द अंडरस्टैंडिंग. आई होप आई वॉज क्लियर इनफ विद माई वर्ड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना खूब सारा ध्यान रखो एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, एंड प्लीज डू शेयर द वीडियोज एज वेल. मैं सब बोलती नहीं हूँ, बट इफ आई एम सेइंग देन प्लीज आई मीन इट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना खूब 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 सारा ध्यान रखो. बाय बाय. Because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand.